वाहे गुरु तन्वाहे गुरु साहेब जियो तन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद विचारै देह अनित ननित रहै जस नाव चढ़ै भव सागर तारै धन 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 जग जन आया जिह प्रसाद सब जगत तराया जन आवन काय है सुवाओ जन कै संग चित आवै नाओ परम सम्मान योग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जियो सब तो पहला साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी द्वारा बख्शी हुई फतेह की सांझ पाईए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दे ए विशेष समागम संयुक्त किसान मोर्चे दी स्टेज तो उस महान जीवन व्यक्तित्व दी याद अंदर मनाए जा रहे ने जिन्हां ने साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल अपना जीवन जो है वह समर्पित करते हुए तो सारा जीवन गुरु शब्द नू कमा के गुरु उपदेश नू कमा के ते एक मिसाल जो है वह कायम की है। पीर बुद्धू शाह जी जिन्हों का बचपन का नाम बदरुद्दीन है ते बहुत ही वड्डे अते चंगे खानदान दे विच पीर बदरुद्दीन जी का जो जन्म है वह होया है। बचपन तो ही उन्हों का सुभा जो है वह खुदा की बंदगी वाला है उपरामता वाला है। बचपन तो ही उन्हों के मन के अंदर खुदा की बंदगी की लगन है इच्छा है। इस करके घर के कार विहार दे विच पीर बदरुद्दीन जी बहुता हिस्सा नहीं लेंदे बहुता लगाव नहीं रखते जिस करके सढौरे नगर के जो वासी हैं जिथे उन्हों का जन्म होया है तो उन्होंने बुद्धू जी करके जो है वह जानन लगे पुकारन लगे क्योंकि जो परमेश्वर के प्यारे होया करते ने परमेश्वर के भगत होया करते ने खुदा दे जन होया करते ने उन्हों का सुभा दुनिया के नालों वखरा ही होया करता है। धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी सच्चे पातशाह दे बचन हन भगता तै सह सारियां जोड़ कदे ना आया भगतां दा अते दुनियावी मनुखां दा कदे जोड़ नहीं आ सकता क्योंकि वह किते होर जिउंदे हन ते वह किते संसारी मनुख किते होर जिउंदा है देखण दे विच बाहरों दोवें इको जगह ते हन पर अंतरीव तौर ते मानसिक तौर पर अध्यात्मक तौर पर बहुत फर्क होया करता है। पीर बुद्धू शाह जी 13 जून ते 1647 दे विच उन्हां दा जन्म जो है उस डौरे दे नगर विच हुंदा है जो अज हरियाणे दे विच आप सारे जानते हो ते बचपन तो ही उन्हां दा जो सुभा है बड़ा भगती वाला है बंदगी वाला है खुदा दी बंदगी करते हैं परमेश्वर की भगती करते हैं दुनियावी कमां कारां दे विच बहुत ही रुचि नहीं भावें परिवार बहुत अमीर है घर दे विच किसे चीज़ की कमी नहीं है ते नगर दे विच बहुत इज्जत है माण है सत्कार है ज्यों ज्यों उन्हां दी आरबला वड्डी हुंदी जांदी है सत्कार वधदा जांदा है
क्योंकि परमेश्वर की बाणी का फुरमान है, जे को जियो कह उन्होंने जम की तलब ना होई। जे कोई परमात्मा की भगती करता है, परमेश्वर की बंदगी करता है, तो संसार के अंदर उसकी हमेशा जय जयकार ही हुंदी है, उसकी वडियाई ही हुंदी है। पीर बुद्धू शाह जी का जो संबंध है वह गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी के नाल कदों जुड़ता है, जदों गुरु कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी पौंटा साहिब की धरती से आते हैं। पौंटा साहिब की धरती से सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता जी ने बहुत लंबा समा गुजारिया है, उत्थे रह करके सतगुरु जी जिथे अपने सिंघां नूं जंगी अभ्यास करवाउंदे रहे, उत्थे बहुत सारी बाणी भी सतगुरु जी ने उत्थे उचारण कीती है, ते बहुत सारिया बाणियां नूं सतगुरु जी ने उत्थे संग्रह भी करवाया है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का पौंटा साहिब आउणा जदों पीर बुद्धू शाह जी नूं पता लगा, ते क्योंकि खुदा दा बंदा है ते खुदा दे बंदे हमेशा ही खुदा दी भाल विच रहिंदे हन, परमात्मा दी भाल विच रहिंदे हन, परमेश्वर दी भाल विच रहिंदे हन। जिवें पीर बाबा भीखन शाह जी जो कढ़ाम दे विच वसदे, ते जदों गुरु कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन पटना साहिब दी धरती ते होया है, ते पीर भीखन शाह जी कढ़ाम तो चल के अपने साथियों के सहत ते पटना साहिब पहुँच गए, उन्होंने उत्थे जाके सिजदा कीता है। देखो जो परमेश्वर का प्यारा है, श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी नूं किसी ने सवाल किया सी, भई तुहाडा ये जो पहरावा है ये बादशाही है, गुरु नानक साहिब जी का जो सिद्धांत है वह शांतमई है, वह साधु सत पुरशां वाला सिद्धांत है, तुसी घोड़े रखते हो, शस्त्र रखते हो, तुसी व्याह करवाया है, तुहाडियां संतान हन, तुसी बादशाही ठाठ बाठ रखते हो। उत्थे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने बड़े सुंदर बचन कहे सी, सतगुरु पातशाह कह लगे माया गुजरान है, इस्त्री ईमान है, पुत्र निशान है, दौलत गुजरान है, ते जिहड़ा साधु है वह ना हिंदू है ना मुसलमान है, उहदा कोई अपना मजहब नहीं हुंदा, वह खुदा दे मजहब नाल चलदा है, वह मनुखता दे मजहब नाल चलदा है। पीर बुद्धू शाह जी का जो रवैया है, जो व्यवहार है, वह इंसानियत वाला है, वह मनुखता वाला है। पर सढौरे दे रहण वाले जिहड़े कट्टरपंथी हन जां जिहड़े औरंगजेब की तुअसब की नीति दे उत्ते चल रहे सी, जिदे विच उस्मान खान का नाम आउंदा है, वह उस्मान खान हमेशा पीर जी दे नाल ईरखा रखता है, उन्हूं लगता है भी पीर बुद्धू शाह जी दे करके साड़ी जो तुअसब की नीति है वह इत्थे प्रवान नहीं चढ़ रही, सिरे नहीं चढ़ रही। पीर बुद्धू शाह जी जदों पता लगा भी गुरु कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी पौंटा साहिब की धरती ते आए हुए हैं, तो वह अपने साथियों के नाल गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी के दरबार में पहुँचे हैं। दरबार में पहुँचे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी आसन ते सुभायमान हैं, संगतां सतगुरु गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी के दर्शन दीदार पा रही हैं, तो संगतां दे विच ही पीर बुद्धू शाह जी आके बैठ गए। तो जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने तकिया ते सतगुरु जी ने उन्होंने आने का कारण पूछया है, पीर जी तुसी किवें आए हो, अपनी बात दसो, अपनी विचार दसो, ते पीर बाबा बुद्धू शाह जी खड़े हो गए, ते उन्होंने कहा कि मैं सढौरे दे रहन वाला सैयद पीर बुद्धू शाह मेरा नाम है, मेरे मन विच बड़े लंबे समय तो तांग सी तुहाडे दर्शनां दी, ते अज मैं तुहाडे दर्शनां दे वास्ते इत्थे चल के आया हाँ, पर चल के आया ते हाँ, पर हुण मेरा मन इत्थों जाण नूं नहीं करदा, हुण मेरा मन इत्थों वापस जाण नूं नहीं करदा। ते बहुत दिन पीर बुद्धू शाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संगत का आनंद माणदे रहे, खुदा दियां गल्लां करदे रहे, परमेश्वर दियां गल्लां करदे रहे। ते फिर समा आया, गुरु साहब जी ने कहा पीर जी हुण जाओ, फिर समा आवेगा ते तुसी आयो। ते पीर जी अपने नगर सढौरे वापस चले गए।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी पौंटा साहिब की धरती ते हन। पर क्योंकि तुसी इतिहास जानते हो, बाई धार दे राजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का वधदा होया प्रताप जो है उन्हूं सहार नहीं सन पा रहे, उन्हूं देख नहीं सन पा रहे। वह ईरखा वस हो करके नित नवीआं व्यौंता बनाउंदे रहिंदे सी भी किस तरह असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वधदे होए प्रताप नूं जो है वह ठल पा सकीए। ते जिदे विच सब तो मोहरी नाम आउंदा है राजे भीम चंद दा। राजे भीम चंद ने अपने कुड़म फतेह शाह दे नाल ये व्यौंत बनाई भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज पौंटा साहिब की धरती ते बैठे हुए हैं, ते क्यों ना असी उन्हां दे नाल उत्थे युद्ध करके ते उन्हां दी सेना उन्हां दे नाल जो सिंह हैं उन्हां नूं नुकसान पहुँचा सकीए, उन्हां नूं दबा सकीए। ते इधर पीर बुद्धू शाह जी दे कोल दिल्ली तो औरंगजेब की फौज दे विचों कढ़े हुए 500 पठान पहुँच जाते हैं। इधर राजा भीम चंद ते फतेह शाह जो है वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल युद्ध दीयां नीतियां घड़दा है, युद्ध की व्यौंतबंदी कर रहा है। ते इधर औरंगजेब ने अपनी फौज दे विचों 500 पठाना नूं कढ दिता, ते नाल ये भी कह दिता भी इन्हां नूं कोई अपने कोल नौकरी ते ना रखे, जिवें किवें वह गुजारा करदे कुछ समय बाद सढौरे पहुँच जाते हैं। तो सढौरे पहुँच के उन्होंने पीर बुद्धू शाह जी दे अगे बेनती की कि साढ़े ते गहने गट्टे भी विक गए हैं, परिवारों का पालन पोषण बड़ा औखा हो गया है, अज कोई साडा सहारा नहीं है। वो दिन आ गए हैं कि सानू अपने शस्त्र जड़े असी नाल रखते हाँ ये वेचने पै सकते हैं अपना गुजारा करन वास्ते, कोई तो होवे जो इस धरती दे उत्ते सानू पनाह दे सके। उन्हां 500 पठाना ने बुद्धू शाह जी नू ए गल जदों कही ते पीर बुद्धू शाह जी कहन लगे इस संसार दे उत्ते इस जगत दे विच इक्को गुरु नानक साहिब जी दा घर है जिहड़ा तुहानू पनाह दे सकदा है, शरण दे सकदा है, आसरा दे सकदा है, रिजक दे सकदा है, जिहड़ा तुहाडी सुरक्षा कर सकता है। तो उन्हां 500 पठाना ने पीर बुद्धू शाह जी का तरला लिया भी तुसीं सानू गुरु नानक साहिब जी का घर जिसके मालक अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसवीं जोत गुरु नानक दी पौंटा साहिब दे विच सुभाए मान हन, उन्हां दे कोल सानू नौकर ते नौकर रखवा आओ। हुण गुरु ते गुरु हुंदा है ना, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। गुरु हिरदा पढ़ लैंदा है, गुरु साडे अंदर दी जानदा है, गुरु ते आउण वाले वक्त नूं जानदा है भी आउण वाला समा किहो जिहा है। पर फिर भी ये गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे दर दा सिद्धांत है, जो शरण आवै तिह कंठ लावै। जो शरण विच आ गया उन्हूं हमेशा गुरु नानक साहिब जी दे घर ने अपने सीने नाल लाया है, चाहे वह अपनी बदनीत लैके ही क्यों ना आया होवे, उन्हूं मौका दिता है कि तू अपनी नीयत नूं सवार गुरु नानक साहिब जी दे घरों तेनू सारियां बख्शिशां मिलणगियां। पीर बुद्धू शाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरण विच फिर आए, नाल वह 500 पठान हन। ते उन्हां 500 पठाना दे वास्ते पीर बुद्धू शाह जी ने बेनती की, सतगुरु अज इन्हां दा कोई सहारा नहीं है, अज इन्हां दा कोई आसरा नहीं है, इस भारत दे विच कोई ताकत नहीं है जिहड़ी इन्हां नूं आसरा दे सके, जिहड़ी इन्हां नूं रोटी दे सके, इन्हां दा कोई सहारा नहीं है। मेरी बेनती है तुसी इन्हां नूं अपनी शरण विच रख लवो। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस समय उन्हां 500 पठाना नूं अपनी फौज दे विच रख लिया, ते जिहड़े उन्हां दे विच काले खां वर्गे सूबेदार सन उन्हां दे जथेदार सन उन्हां नूं 5 रजतपन रोज ध्यान दिओ, 5 रजतपन 5 चांदी दे सिक्के उन्हां दे फौजदारां नूं जथेदारां नूं, ते 1 चांदी दा सिक्का हर रोज उन्हां पठानां नूं देना जो है वह नियत होया है।
पंज जथेदार नू रोज पंज चांदी दे सिक्के ते एक सिक्का हर एक सिपाही नू रोज रजतपन कहिंदे हन चांदी दे सिक्के नू। ते इधर फतेह शाह ते भीम चंद जिवें जिवें जंग दियां व्यौंतां बना रहे हन ते 500 पठान जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी शरण विच आए सन जदों इन्हां नू पता लगा ना भी हुण जंग दा समां आ गया है, हुण युझना पैणा है युद्ध दे विच। जब आव की औद निदान बने अत ही रण मैं तब जूझ मरौं, जदों ओ वेला नेड़े आउंदा दिसिया ना ते इन्हां पठाना ने बहाने लाने शुरू कर दिते। इन्हां पठाना ने कहना शुरू कर दिता भी साडे घर दे विच साडी इस्त्री बीमार है, साडे घर दे विच फलानी प्रॉब्लम आ गई है, गुरु साहब तुसी सानू छुट्टी दे दिओ, असी हुण जाना चाहुंदे हां, क्योंकि पंज सिक्के रोज चांदी दे लैके ते सिपाहियां ने भी सोचिया भी हुण साडे कोल धन ते आ ही गया है, जान क्यों गवाईए, क्योंकि वफादारी बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है, प्राण ते आउणी जाणी चीज़ है, संसार दे उत्ते सदा ते किसे ने नहीं रहना, लेकिन इतिहास बात जरूर पाउंदा है भी कौन वफादार होके निबड़िया ते कौन गद्दार होके निबड़िया, इतिहास वार्ता जरूर पाउंदा है। जेड़े अज इस अंदोलन दे नाल जुड़े हुए हन इतिहास उन्हां दी भी वार्ता जरूर करेगा। इतिहास अज 100 साल नहीं होए, अज असी पीर बुद्धू शाह जी नू याद कर रहे हाँ ते उन्हां पठाणा दा भी असी जिक्र कर रहे हाँ जिन्हां ने गुरु दे नाल बेमुखताई कीती, गद्दारियां कर गए, धन लैके मौका प्रस्ती जदों मौका आया ते शरण विच आ गए ते जदों मौका आया फर्ज निभाउण दा ते उत्थों खिसक गए। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी घट घट के अंतर की जानत दशमेश पिता जी ने कहा भाई जाओ, जे तुहाडा इत्थे चित नहीं लगदा अज तुहाडियां जरूरतां पूरियां हो गईयां हन ते तुसी जा सकदे हो, जाओ असी तुहानू रोकदे नहीं, क्योंकि कायर दा गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी दे दर ते कोई थां नहीं है। कायरां दे वास्ते बुजदिलां दे वास्ते गुरु नानक साहिब जी दे घर कोई थां नहीं है, इह मरजीवड़ियां दा घर है। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै, यह है गुरमत दा सिद्धांत। इत्थे गद्दारां दे वास्ते, कमजोरां दे वास्ते, बुजदिलां दे वास्ते इत्थे कोई थां नहीं है। जौ तौ प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। इत्थे ते सिर देण तक दी गल कीती जांदी है, गुरु साहब ने उन्हां नूं विद्या कर दिता भाई जाओ। इधर भीम चंद ते फतेह शाह अपनी फौज लेके आ गए, पर उन्हां पठाणा दे विचों 500 पठाणा दे विचों एक उन्हां दा आगू, एक आगू काले खां, उन्हें कहा मैं नहीं जाना, मैं गुरु दे नाल इस युद्ध दे विच उन्हां दुश्मनां दे खिलाफ लड़ांगा ते जे शहादत देनी पई ते शहादत भी देंगा। एक पठान मर्द दा बच्चा नितरिया जिदा नाम सी काले खान, ओ नहीं गया। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने बुद्धू शाह जी नू सनेहा भेज दिता, बुद्धू शाह जी अज वेला आया, अज वक्त आया, अज लोड़ सी सानू ते तुहाडे रखवाए हुए ओ 500 पठाणा दे विचों 499 जो हन ओ जा चुके हन। हुण पीर बुद्धू शाह भगती दे रंग विच रंगे हुए, परमेश्वर दी खुदा दी बंदगी दे विच रंग दे विच रंगे हुए, ओ किवें सहार सकदे सी एडी वड्डी गल। उन्हां ने अपने मुरीदां नू नाल लिया, उन्हां ने अपने चार पुत्रां नू नाल लिया, उन्हां ने अपने भरावां नू नाल लिया ते सडौरे तों पौंटा साहिब दे वल चल पए ते पंघाणी दे इलाके दे विच मैदान दे विच भीम चंद फतेह शाह ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा उस समय युद्ध छिड़ चुका सी, ते उन्होंने
पीर बुद्धू शाह जी ने आउंदिया सार अपने साथियों के सहित अपने भरावां के सहित अपने पुत्रां के सहित अपने मुरीदां के सहित उस जंग दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे वल्लों दुश्मनां दे नाल लड़ना शुरू किया। तो इस जंग दे विच आप सारिआं नूं पता है भई जीत मेरी कृपा अकाल तेरी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की जित होई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जिथे बहुत सारे सिंह भी शहीद होए, पीर बुद्धू शाह जी दे दो पुत्र शहीद होए, उन्हां दा एक भरा शहीद होया, उन्हां दे कई मुरीद उत्थे शहीद हो गए। ते जदों जंग तो बाद जो शहीद होए उन्हां दा संस्कार किया गया, सारा उत्थे माहौल जो शांत होया, ते फिर एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दा दीवान लगा है। सारे सिंह पीर बुद्धू शाह जी नाल उन्हां दे भरा ते नाल उन्हां दे मुरीद बैठे हुए हैं। ते उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह उन्हां सारिआं नूं बख्शिशां कर रहे हैं जिन्हां ने गुरु दे नाल इस समय युद्ध दे समय सच्चाई दा, इंसानियत दा, मनुखता दा साथ दिता। सतगुर उन्हां नूं वडियाईयां दे रहे हैं। पीर बुद्धू शाह जी भी बैठे हैं। ते उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने पीर बुद्धू शाह जी नूं बुलाया, सत्कार दिता। ते पहली बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी छोटी दस्तार पीर बुद्धू शाह जी नूं सरोपे वजों भेंट की। ते उहदे नाल ही भेंट किया एक हुक्मनामा, बई पीर बुद्धू शाह जी दे उत्ते साड़ी बहुत खुशी है, पीर बुद्धू शाह जी नूं सारी सिख संगत जो है वह माण ते सत्कार देवे, क्योंकि पीर बुद्धू शाह अज साडे अपने होए हन, ये साडे अपने हन। ते नाल ही श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपने केसां नूं कंघा कर रहे हन। ते पीर बुद्धू शाह जी खड़े हन, गुरु कलगीधर दशमेश पिता कहिंदे बुद्धू शाह जी कुछ होर चाहीदा है वह भी मंग लवो, दुनिया दा राज दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, जो चाहते हो वह भी मिल जाएगा। ते पीर बुद्धू शाह जी कह लगे राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, जो परमात्मा दे प्यारे हमेशा मंगते हैं, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। पीर बुद्धू शाह कहन लगे सतगुरु इको अरदास है, कदे मैनू अपने तो वख ना जाणियो, कदे मैनू अपने तो वख ना करियो, मैं हमेशा तुहाडा होके रहना चाहुंदा हां। ते जो के कंगा सिर दे अपने केसां दे विच गुरु कलगीधर दशमेश पिता उस समय फेर रहे सी, पीर बुद्धू शाह जी कहन लगे सतगुरु आ निशानी तुसी मैनू बख्श दियो। ते जिस तरह वह कंघा ते केस उहदे विच थोड़े लगे हुए सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वह कंघा केसां दे सहित पीर बुद्धू शाह जी नूं भी देना कीता है। पीर बुद्धू शाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी तो बख्शिशां लैके ते बहुत प्रसन्न होए, बहुत खुश होए, ते खुशी खुशी अपने परिवार साथियों समेत वापस सडौरे गए। ते सैद खां दी भैण नसीरा जो पीर बुद्धू शाह जी दे धर्म सुपत्नी सी, जदों उन्होंने पुछया ना नसीरा ने पीर बुद्धू शाह जी दी धर्म सुपत्नी ने भी भरा शहीद हो गए, पुत्र शहीद हो गए, मुरीद शहीद हो गए, गुरु साहब जी ने तुहानू बख्शिश की कीती है? ते उन्होंने कंघा ते केस जेडे गुरु कलगीधर दशमेश पिता दी दे सन वह उस बीबी नसीरा दे सामने कर दिते। ते हुण तुसी देखो भी एडी वड्डी शहादत कुरबानी तो बाद कोई सामने कहे भी आ कंघा ते केस लेके आया हाँ, ते देखण वाला कहेगा भी दसो इन्हें की खटिया है? पर पीर बुद्धू शाह जी दी धन सिखी, धन जज्बात, धन उन्हां दा जीवन, वह कहन लगे नसीरा इस कंघे ते केस नूं तू आम करके ना जानी, ये गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी की दिती हुई बख्शिश है। ते जदों नसीरा जी ने उस कंघे ते केस नूं अपने मस्तक नाल छुहाया ते उस बीबी नसीरा दा जो जीवन है वह बदल गया।
जिस पद नू कमाण दे वास्ते जोगी जोग करदे हन, तपी तप करदे हन, लोग हठ करदे हन, ओ पदवी ओ परम अवस्था बीबी नसीरा नू उस कंगे ते केसा नू छुहाण दे नाल ही प्राप्त हो गई, सोझी आ गई। ते बीबी नसीरा गुरु कलगी धर दशमेश पिता दे शरधालू हो गए। ते एक वार जदों सैयद खान जो बीबी नसीरा दा भरा है ते औरंगजेब दी उत्थे कचहरी दे विच ओ अहलकार है दिल्ली दे विच, ते औरंगजेब ने फिर जदों पता लगा बई पंघाणी दे युद्ध दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी जित होई है, ते उस तो बाद समा आया सैयद खान नूं औरंगजेब ने मुहिम वास्ते गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी नूं पकड़न वास्ते या दिल्ली लैके आउण वास्ते एक जथा एक 5000 मुगलों की फौज दे के भेजना कीता। ते सैयद खान जदों सढौरे आया अपनी भैन दे कोल, ते आके जदों भैन ने पुछया बई सैयद खान तेरे आउण दा कारण की है, ते सैयद खान कहन लगा मैं आनंदपुर नूं जा रहा हाँ, मैं गुरु कलगीधर दशमेश पिता नूं पकड़न दे वास्ते जा रहा हाँ, मैं दिल्ली दरबार दे विचों शमशीर ते बीड़ा चुक के तुरिया हाँ। ते बीबी नसीरा कहन लगी भरावा ये केड़ा तू कराहे पै गया है, केड़े रस्ते तुर पिया है, वो तिना लोकां दा मालक है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो तिना लोकां दा मालक है, वो पातशाहां दा पातशाह है, बादशाहां दा बादशाह है, तू ओदे नाल लड़ के अपना जन्म ना गवा लवी, तू ओदे नाल लग के ओदे नाल लड़ के अपना जीवन बर्बाद ना कर लवी, वेखी किते अपने जीवन ते अपने कुल ते उत्ते दाग ना ला लवी। सैयद खान कहन लगा चंगा भैणा मैं देखांगा जदों मेरा सामना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल होवेगा। ते जदों सैयद खान अपने साथियों दे नाल फौज दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सामने आया ते दूर खड़ा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे सैयद खान क्यों एवें व्यर्थ अपने साथियों नूं मरवाउंदा है जंगे मैदान दे विच, आ आपां दोवें ही जूझ करके ते इस जंग दा निर्णा कर लैंदे हां, आ जे तैनूं लड़न दा शौक है ते मैं तेरे सामने खड़ा हाँ, आ तू मेरे नाल अपना जंगी शौक जो है पूरा कर लै। ते सैयद खां गुरु कलगीधर दशमेश पिता दी इस वंगार नूं सुण के ते जदों घोड़े नूं लैके नेड़े आया ना, ते जदों नेत्र गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी दे सतगुरां दे चेहरे दे उत्ते पए ते सैयद खां नूं आपा ही भुल गया है, ओ सैयद खान आपा भुल गया कि मैं कदे वास्ते दिल्ली तो चल के आया सी, घोड़े तो थले उतर आया, ते थले उतर के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरण पकड़ लए, चरण पकड़ लए। सैयद खान ने माफी मंगी भुल बख्शाई ते कहन लगा सतगुरु मैनू बख्श दिओ। ये क्यों होया? क्योंकि इधर सैयद खान सढौरे तो चल के आनंदपुर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल लड़न वास्ते आ रहा है, ते इधर बैठी नसीरा सढौरे दे विच अरदास कर रही सी हे अंतरजामी हे कलगी धर हे दशमेश पिता, ये मेरा भरा रस्ते तो भटक गया है, ये मेरा भरा भटक गया है, एदी सोच एदी मत अलप है, तुसी बुद्ध एदी बदल दिओ, तुसी कृपा करो ते इनू अपनी शरण विच लै लवो, ये तुहाडा मुरीद हो जाए, इहदे ते ऐसी कृपा करिओ। ते जदों फिर कोई जन हो करके कोई निमाणा हो के अरदास करदा है ना सतगुर दे चरणा विच, ते पातशाह कहिंदे हन बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, त्रुट करके सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता ने सैयद खान का जीवन बदल दिता है। ते उधर उस्मान खान ये सारा कुछ सहार नहीं सी रहा, उस्मान खान गुरु कलगीधर दशमेश पिता दे नाल जो प्रेम है पीर बुद्धू शाह जी का उन्हू बर्दाश्त नहीं सी कर रहा, मौके की ताड़ विच सी भी कदों मैनू मौका मिले तो मैं पीर बुद्धू शाह जी दे नाल ध्रोह कमावां, इन्हां दे नाल मैं अपने
जो उहदे अंदर एक क्रोध की एक ईरखा की अग सी उहदा मैं बदला लवां। इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी श्री आनंदपुर साहब जी का किला छड्डदे हन, छोटे साहबजादे नीहां दे विच शहीद हो जांदे हन, वड्डे साहबजादे चमकौर की गढ़ी विच शहीद हुंदे हन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दीने कांगड़ तो औरंगजेब नू जफरनामा दी जो जित दी चिट्ठी है वह लिख के ते दमदमा साहिब साबो की तलवंडी वल चलदे हन। ते इधर उस्मान खान नू लगा भी हुण मेरे कोल मौका है, हुण मैं इस पीर जी दे उत्ते अपनी जो जोर है जबरदस्ती है वह कर सकता हाँ। ते सैयद खान उस्मान खान ने उस समय फिर पीर बुद्धू शाह जी दे उत्ते जुल्म करना शुरू कर दिता। ते क्योंकि औरंगजेब दा डंग वध्या होया सी, जुल्म वध्या होया सी, सडौरे दे विच जिन्ने भी वसदे चाहे वह मुसलमान भाईचारा सी, चाहे सनातन भाईचारा सी, कोई भी उस्मान खान दे जुल्म दे अगे बोल नहीं सकिया। ते एक दिन फिर उस्मान खान ने पीर बुद्ध शाह जी नू जंगल दे विच लजा करके ते तसीहे दे दे करके शहीद कर दिता है, उन्होंने शहीद कर दिता। एक ऐसी मिसाल कायम की पीर बुद्धू शाह जी ने प्रेम की, मनुखता की, भावें उन्होंने अपने सहधर्मियों का विरोध ते चलना पिया पर उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छड़िया, उन्होंने इंसाफ का मनुखता का साथ नहीं छड़िया। पीर बुद्धू शाह जी का जीवन साढ़े सामने एक उदाहरण है, साढ़े सामने एक ऐसा उपदेश है, एक ऐसा प्रमाण है भी असी अपनी जिंदगी नू किधर लेके जाना है। हकूमत अपने उस राह ते चल रही हैं, चाहे इत्थे मुगलों का राज सी, चाहे इत्थे अंग्रेजों का राज सी, ते चाहे अज इस देश दे विच असी मनुवादियों का राज देखते हाँ। इस राज दे विच आम बंदे दियां मुश्किलां बदलियां नहीं हन, आम मनुख दियां मुश्किलां ओही हन, चाहे वह मुगलों का राज रहा होवे, चाहे अंग्रेजों का राज रहा होवे, ते चाहे अज मनुवादी हकूमत होवे, आम बंदा उसे तरह ही पिस रहा है, आम बंदा उसे तरह ही। आ बलदेव सिंह जी तो सुनिया है भी किवें एक नौजवान की कल ही इत्थे जिहड़ी वह शहादत हो गई है। सैकड़े शहादतां इस अंदोलन दे विच किसान वीरां दियां, बजुर्गां दियां हो चुकियां हन, पर तानाशाह बनी हुई सरकार दे कन दे उत्ते जू नहीं सरक रही। पर एक गल याद रखियो, यह किसान अंदोलन इतिहास दे विच एक उसे तरह का इतिहास सिरज के जाएगा जिवें पिछलियां आज़ादी दियां जंगां वास्ते भारत वासियां ने संघर्ष किए, लड़ाइया लड़िया, भुखा तसीहे शहादत दिखा, तो यह भी अंदोलन उस वालों ही वध रहा है। असी सिजदा करते हाँ इतने बैठिया हुई साड़िया मातावान, साड़िया भैणों, साडे बजुर्गों, साडे वीर जिन्होंने पिछले लंबे समय तो अपना सिरण नभाते हुए तो इस अंदोलन सुरजीत रखिया है, कामयाब रखिया है। असी सिजदा करते हाँ उन्हां परिवारां नू जिन्हां परिवारां दे जी इस अंदोलन दे विच अपनियां शहादतां दे गए, असी सिजदा करते हाँ उन्हां सारयां नू जिहड़े इस अंदोलन दे विच दिन रात एक करके अपना जीवन लाई बैठे हन। ते अरदास करते हाँ गुरु कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे सन्मुख कि हे सच्चे पातशाह, इस सारी किसानी नू, इस सारे किसान समाज नू एक ऐसा बल बख्शो, एक ऐसा वर बख्शो जो आप जी दा उपदेश है, देह शिवा बर मोह इह, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो, ना टरो अर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच गुण हो तो उचरो, जब आव की औद निदान बने, अत ही रण मैं तब जूझ मरो। ये संघर्ष भी एक रण है, एक पासे तानाशाह हकूमत है ते दूजे पासे तुहाडा सिदक है, तुहाडा सबर है, तुहाडा संतोख है,
जो तुहाड़ी ताकत बनिया होया है। असी सिजदा करते हाँ हरियाणे दे, पंजाब दे, यूपी दे, बिहार दे, जिन्हें भी किसान परिवार इस अंदोलन दे नाल जुड़े हुए हैं। सतगुरु सभना नू बल बख्शन, सतगुरु सभना नू तंदुरुस्ती बख्शन। पीर बुद्धू शाह जी दे आगमन प्रकाश जन्म दिहाड़े दियां आप जी नू लख लख मुबारकां। गुरु साहब कृपा करन, चढ़दी कला बख्शिश करन, इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां जी। होइयां भुल्लां दी खिमा बख्शो, सीस बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन ज्ञानी तेजपाल सिंह जी, कथावाचक कुरुक्षेत्र वाले, जिन्होंने पीर बुद्धू शाह जी दे जीवन कथा और जन्म दिहाड़े दे उपर आप जी ने उन्हां दे जीवन बारे चानना पाया। और जो जो पीर बुद्धू शाह जी ने धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे नाल जंगा युद्धा विच जाना किया जा अपना आप वारिया, उस बारे ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने आप जी नूं कथा द्वारा जाणू करवाया है। असी संयुक्त किसान मोर्चे वालों और समुची बैठी लीडरशिप वालों ज्ञानी तेजपाल सिंह जी उन्हां दा समुचा धन्नवाद करते हाँ। जी आया नूं जिन्हें कदम आप चल के आए हो सिर मत्थे ते, गुरु रामदास कृपा करन कि आप जी इस तरह ही कौम की सेवा करते रहो ते हमेशा चढ़दी कला विच रहो। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टेज ते विराजमान शुद्ध किसान मोर्चे दे आगू साहबान सरदार सतनाम सिंह जी सानी साहब, सरदार अवतार सिंह जी मेलों, सरदार हरजिंदर सिंह जी टांडा, सरदार रणजीत सिंह जी और सरदार सतनाम सिंह जी बैरू साहब, होर भी जिहड़े साढ़े आगू साहबान पहुँचे ने उन्हां नूं भी जीआं नूं सारे समुचे संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू साहबानां दा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण मैं बेनती करांगा छोटा बच्चा वीर प्रताप सिंह, वो दो मिनट वास्ते संगतां दे नाल अपने विचार सांझे करनगे। उस तो उपरंत साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भैन एडवोकेट अनुराधा भागरवक जी करनाल तो, वो 7 मिनट वास्ते संगतां दे नाल अपने विचार सांझे करनगे। हुण छोटा बच्चा वीर प्रताप सिंह जी, वो 2 मिनट वास्ते। सो मैं बेनती करां कि स्टेज के खब्बे पासे जो गड्डियां खड़िया ने कृपा करके पासे कर दित्तियां जान, क्योंकि इत्थे स्टेज के होर समान जिहड़ा आके वो ट्रक तो उतरना है। ये बेनती प्रवान की जाए खब्बे पासे स्टेज ते 3 गड्डियां खड़िया ने, उन्हां नूं कृपा करके पासे किया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो चोटी है ना, ये गुरु तेग बहादुर जी की बचाई गई है, हमें उनको सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनको सम्मान नहीं करेंगे तो ये चोटियाँ हमारी फिर से कट जाएगी। अब मैं कुछ मोदी के लिए कहना चाहता हूँ। मोदी जी, आपको दिखाई नहीं देता, आपके कान नहीं है, आँख नहीं है, यहाँ दिखाई नहीं देता। यहाँ कितने सारे किसान बैठे हुए हैं, सर्दी में, गर्दी में, बारिश में, तूफान में यहाँ पर बैठते हैं, और आपको मोदी बनाया हुआ है। आपको वोट कौन देता है? किसान। आपको पीएम किसने बनाया? किसानों ने। खाना कहाँ से आता है? किसानों की वजह से। अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे? हमें इनकी बात माननी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सारी मांगे पूरी कीजिए, और अगली बार जो पीएम बनेगा वो किसान ही पीएम बनेगा, मैं ये चाहता हूँ। और मोदी जी सुनिए,
अदा मैं तो एक दिन भी यहाँ पर बैठ के दिखाई है हमारे साथ, आप में इतना दम भी नहीं है। बोले सोनिहार, अब मैं जो बोलूंगा आपको मेरे साथ बोलना है, एक दो तीन, जय जवान जय जवान जय जवान। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन छोटा बच्चा जिंदे मन विच किन्ने वड्डे वडमुले विचार ने जो आप जी दे सामने रखे ने। ये बच्चे किसी दे सिखाए हुए नहीं, क्योंकि बच्चों दे मन विच जो आ किसान 7 महीनों तो लगातार इन्हां बॉर्डरों ते बैठा है, इस परों अज बच्चे बच्चे नूं पता है कि एक किसान किन्ना मंगा वास्ते बैठा है, किन्ना हकां वास्ते बैठा है। और बच्चे वीर प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बुड़बुले विचार तुसी पेश कीते ने। हुण तां मोदी नूं समझना चाहिए जदों इन्हां बच्चों की पकार इस संगत दे विच इस एडी वड्डी स्टेज तो रखी जाती है, तो जरूर देश के प्रधानमंत्री नूं समझ के